ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसके शुभ या अशुभ प्रभाव से कोई अछूता नहीं रह सकता। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में दिखने वाला है। इसीलिए वहां सूर्य ग्रहण को लेकर लगातार कई तरह की चेतावनी और अलर्ट दिए जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसीलिए इस ग्रहण की लाइव तस्वीरों और वीडियोस को भी लोग अपने स्मार्टफोन में कैद करना चाहते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन यूजर्स को लेकर नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन यूजर्स को कुछ कामों को नहीं करने की सलाह दी गई है। ऐसे में अगर आप भी स्मार्टफोन यूजर हैं और नासा की तरफ से दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि स्मार्टफोन यूजर्स को लेकर नासा की तरफ से क्या कहा गया है। दरअसल एक जाने माने यूट्यूबर MKBHD ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके पूछा कि क्या सूर्य ग्रहण के समय फोन को सूर्य की तरफ करने से सेंसर जल जाएगा। यूट्यूबर ने पोस्ट में लिखा, मुझे इस बात का निश्चित कोई जवाब नहीं मिल सका है कि स्मार्टफोन से सूर्य ग्रहण का फोटो क्लिक करने पर कैमरा सेंसर खराब होगा या नहीं। एक्स प्लेटफॉर्म पर पूछे गए सवाल के जवाब में नासा ने बताया कि सीधे सूर्य को कैमरे में कैद करने से स्मार्टफोन का सेंसर खराब हो सकता है। अगर आप फोन पर कोई लेंस लगाकर सूर्य ग्रहण की फोटो ले रहे हैं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण की फोटो लेने के लिए स्पेशल तरह के फिल्टर की जरूरत होगी जो किसी भी कैमरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप फिर फोन से फोटो लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रहण की तस्वीर लेते वक्त अपने फोन के लेंस के सामने ग्रहण देखने वाला चश्मा लगा लें। साथ ही नासा ने यह भी बताया कि आप अपने स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचाए बिना ग्रहण की फोटो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों और कैमरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के दौरान स्मार्टफोन कैमरे को सेफ रखने के लिए स्पेशल फिल्टर का इस्तेमाल करें। तस्वीरें धुंधली ना हो इसके लिए कैमरे को किसी स्टैंड पर लगाएं और टाइमर का इस्तेमाल करें। ग्रहण के दिन पहले से ही अपने स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो क्लिक करने के लिए प्रैक्टिस कर लें। रोशनी के हिसाब से कैमरा की सेटिंग को एडजस्ट करें। आप अलग अलग शटर स्पीड और अपर्चर को ट्राई कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का असर सबसे ज्यादा अमेरिका पर पड़ेगा। 8 अप्रैल को लग रहा सूर्य ग्रहण बीते 50 सालों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। इससे कई अमेरिकी राज्यों में कुछ देर के लिए पूरा अंधेरा छा जाएगा। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 8 अप्रैल की रात 9:12 से शुरू होगा और 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा। रात में लगने के कारण यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई ना देने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। जब भी कोई ग्रहण लगता है उसके पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसीलिए सूतक काल लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ग्रहण में ना तो खाना पकाया जाता है और ना ही खाना खाया जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव किया जाता है।